Assalamu alaikum everyone. I hope that you all are fine, safe, and indoors. Before watching this video, I request you all that please subscribe to this channel and push that bell icon and turn on your notifications so you never miss any update from this channel. Thank you. In this video, we are going to discuss question number 9 from exercise 6.1. So, first of all let you see what the question? क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि क्या उसमें गिवन है और हमने फाइंड क्या करना है लेट पी एक्स इज इक्वल टू टेन इंटू एक्स स्क्र माइनस नाइन इंटू एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स प्लस टू एंड क्यू एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इफ़ द एच सी एफ ऑफ पी एक्स एंड क्यू एक्स इज दिस फाइंड देयर एल अब हमें इसमें गिवन क्या है पहले वो लिखेंगे हमें गिवन है पी एक्स की वैल्यू क्यू एक्स की वैल्यू गिवन है और हमें एच सी एफ़ गिवन है ठीक है यानी उन्होंने कहा है कि एच सी एफ जो है हमारे पास ये है और हमने फाइंड क्या करना है एल सी एफ और इसमें भी सेम क्वेश्चन नंबर एट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे हम लोग ठीक है क्वेश्चन नंबर एट वाला फार्मूला यूज़ करते हुए फाइंड जो चीज़ करनी है उसको वहीं पर रहने देते हैं और दूसरी वाली जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है वैल्यू उसको दूसरी साइड पर लेके जाके डिवाइड कर देते हैं ठीक है थीके? जैसे कि उन्होंने खुद बताया हुआ है क्वेश्चन में कि हमारे पास पी एक्स ये वैल्यू है क्यू एक्स ये वैल्यू है इफ़ दी ए सी एफ़ यानी जो इसका ए सी एफ है वो आ, हमारे पास अगर ये है तो फिर उसका एल सी फाइंड करें तो यानी हमें पी एक्स क्यू एस और क्यू एक्स और ए सी इसका गिवन है और हमने एल सी फाइंड कर लेना तो यहाँ पे देखें थोड़ा सा आ, अगर आप लोग स्टेप बाई स्टेप इसको समझें तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है जिस तरह से आप लोग फैक्टराइजेशन चैप्टर फाइव में कर चुके हैं तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होना चाहिए आपके लिए फिर भी ये जो इसके स्टेप्स हैं मैं ये आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे हमने एल की वैल्यू लिखी है सॉरी पी की वैल्यू लिखी है क्यू की वैल्यू लिखी है और डी में हमने एच सी लिख देना अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पी में टेन था मल्टीप्लाई हो रहा था जो कि और यहाँ पे भी एच सी में भी टेन है तो ये एक दूसरे से कटिंग हो जाएंगे कटिंग करने के बाद आपने क्या करना है यहाँ पे एक्स माइनस वन होल स्केयर है तो इसको टू टाइम्स आपने लिख लेना है ठीक है यानी मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमारे पास होल स्केयर में ही आता है लेकिन आपने इसको सिंपल फॉर्म में चेंज कर देना है और उसके बाद आप, uh, आप लोग देख सकते हैं कि डिवीजन में एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस वन है तो जो कि ऊपर भी हमारे पास सेम है तो ये कट हो जाएंगे एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे कैंसिल होने के बाद आप लोगों ने इसको दोबारा से लिख लेना है टेन एक्स को स्टार्टिंग में ले जाना है और एक्स माइनस वन को भी क्योंकि अब ये छोटी वैल्यूज़ जो हैं उनको हम लोग स्टार्टिंग में ले जाएंगे जो कम पावर वाली हैं ठीक है इसमें भी देखें एक्स केयर है इसमें भी एक्स केयर है लेकिन इसमें टू एक्सप्रेशन टू टर्म्स हैं इसमें इसमें थ्री टर्म्स हैं तो इस तरह से आप लोगों ने इसको अरेंज कर लेना है आप लोगों ने इसको अरेंज कर लेना है ताकि बाद में आप लोग आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो तो टेन uh, एक्स लिखा उसके बाद एक्स माइनस वन बाकी जो वैल्यूज़ हमारे पास थी वो लिख लेंगे अब ये जो लास्ट वाली है जिसमें थ्री टर्म्स हैं इसकी मिडल टर्म को आप लोगों ने ब्रेक कर देना है ठीक है मिडिल टर्म ब्रेक करने से हमारे पास फ़ोर टर्म्स आ जाती हैं टू टू में से जो कॉमन आ रहा होगा वो कॉमन लेना आपने ग्रुपिंग करने के बाद जिस तरह से फैक्ट्राइजेशन में करते थे हमारे पास ये टू टर्म्स आ जाएंगे ठीक है टू एक्सप्रेशन आ जाएंगे कुछ भी आप लोग कह सकते हैं तो उसके बाद आप लोगों ने अब इसको अरेंज करके लिखना है एक्स माइनस वन को मैंने देखें एक्स माइनस वन के साथ लिख दिया है क्योंकि ये सेम है जिस तरह से हमने यहाँ पे इसको सिंपल फॉर्म में चेंज किया था तो इसी तरह से हम इसको साथ लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं होल स्केर में लिख सकते हैं इसको ठीक है होल स्केयर में चेंज कर सकते हैं तो इसी तरह आप लोगों ने करना है इसलिए मैंने यहाँ पे इसको फैक्टराइजेशन करने के बाद एक्स माइनस वन के साथ एक्स माइनस वन को लिख दिया और ये दोनों सेम है मल्टीप्लाई होने के बाद होल स्केयर में चेंज कर दिया बाकी वैल्यूज़ वैसे लिख देंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया एल सी एम आ गया